Career School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madhwadi, Dashashwamedh branches in Varanasi. अनुभव रहा कैसा आपका? देखिए ये मुझे महसूस हुआ कि गंगा मैया ने हमको बुलावा दिया। हम सौभाग्य ये समझते हैं कि गंगा मैया की कृपा से हम यहाँ पर ये गंगा आरती देख रहे हैं जी। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमको बुलावा मिला आने को यहाँ पर। ऐसे हर कोई आशा रखता है कि यहाँ पर आने को, फिर सभी को ये मौका नहीं मिलता है। हम इसी पर मान लीजिएगा कि हम वी फील ब्लेस्ड दैट वी हैव बीन इनवाइटेड एंड दैट वी आर हियर। सर, ये बनारस संसदीय क्षेत्र भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, तो उस नाते आपको कैसा लगा? ये कुछ बदलाव देखने को मिला या क्या? मैंने यहाँ पर जनवरी 2019 को यहाँ पर आए थे प्रवर्तक दिवस के दौरान यहाँ पर आए थे। एक साल में काफ़ी बदलाव दिख रहे हैं। मैंने गया था विश्वनाथ मंदिर, वहाँ पर काफ़ी काम हो रहे हैं और ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि साफ सफाई ज्यादा है। सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और मॉरिशस के संबंध और कितने मजबूत और कितने स्ट्रांग होने जा रहे हैं? मैं दो चीज बोलूंगा। पहला कि मोदी जी ने बोला था कि मॉरिशस और भारत के संबंध स्पेशल नहीं है, सुपर स्पेशल लगाइए ना। और इंदिरा गांधी जी ने बोला था कि मॉरिशस एक लिटिल इंडिया है, छोटा भारत है। इस दो
कंपैरिजन से आप जान जाएंगे कि मॉरिशस और भारत के कितने संबंध है। लेकिन और वो बोलते हैं कि मॉरिशस और इंडिया का संबंध ये खून का संबंध है। देखिए ये हमारा एक नेचुरल संबंध है, गॉड का दिया हुआ संबंध है, लेकिन हम व्यापारिक संबंधों के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर दोनों कंट्रियां आपस में व्यापार को कैसा सपोर्ट कर रही हैं। जी सिर्फ व्यापार का नहीं, वो विकास का, मॉरिशस का विकास में इंडिया का बहुत योगदान है। इंडिया का भारत का हेल्प द्वारा हम मेट्रो किया है, हॉस्पिटल भी किया है और वो सब संपूर्ण हुआ। ये भारत और मॉरिशस का संबंध के द्वारा। सर अमेरिकी राष्ट्रपति अभी बराक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर होके आके गए, तो क्या लग रहा है कि कितना ये और अच्छा बेहतर संबंध इंडिया के लिए आसपास के मुल्कों के लिए? ये एक नमूना है कि भारत की और वो जगह अब विश्व में काफी मजबूत होता जा रहा है और मोदी जी के द्वारा अब भारत काफी प्रगति कर रहे हैं। सर अगर आपको पता होगा कि अमेरिका के बाद मॉरिशस एक दूसरा एफपीआई जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिहाज से सेकंड इंडिया में इन्वेस्टर है, तो वहाँ के लोग हैं, तो लेकिन उसके बावजूद यहाँ जो वित्त नियामक है सेबी ने उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। जितने अब इन्वेस्टर होंगे उनको बड़ी नज़र रखी है, नथिंग इंडिया गवर्नमेंट नज़र रखेगी जो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो क्या लग रहा है उसके लिहाज से क्या कुछ फर्क पड़ेगा कुछ इसके बारे में? ये है हमने इस पर बंदोबस्त किया है क्योंकि मॉरिशस में जो हम करते हैं वो हम ऐसे करते हैं कि कानून जो लगाना चाहिए जमे सभी का लाभ उसमें है। स्कॉलर्स वैली अ होम ऑफ एजुकेशन प्ले ग्रुप टू क्लास 8 कॉल 9235442970 नियर उकार हॉस्पिटल सुंदरपुर वाराणसी एजुकेशन पार्टनर विद टाटा क्लास 8 सार्थक सर्जिकल सेंटर जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पत्रिका बिना ऑपरेशन के सफल इलाज एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल एकता चौराहा पहाड़िया वाराणसी।